सुप्रभातम विद्यार्थी गायन, मैं दया किशन जोशी शास्त्री इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ विद्यार्थीगण। विषय संस्कृतम कक्षा षष्टम। तो इसके अंदर जो अपना पाठ चल रहा है वह है भविष्य प्रतिकार भूगोले का बदला। किसका बदला है? भूगोले का बदला है विद्यार्थीगण। पाठ को बड़े तरीके से पढ़ेंगे। जैसे उच्चारण कुरुत, उच्चारण कुरुत यहाँ पर आया हुआ है अभ्यास प्रश्न। यत्र ये सब क्या है? अव्यय पद हैं, ठीक है ना दादा? ठीक है, सारे देखो उच्चारण कुरुत प्रथम प्रश्न जो दिया हुआ आपका, यह आपका क्या है? अव्यय पद है। जैसे यत्र हो गया, यदा, तत्र, तदा, कुत्र, कदा, अत्र, एक कदा, अन्यत्र च, अपि, अद्य, सौ, हय, प्रातः, अहर्निशम्, अधुना, एव, कुतः, सायम्। तो ये क्या है? अव्यय पद आ गए। यत्र यानी जहाँ, यदा जब, तत्र वहाँ, तदा तब, कुत्र कहाँ, कदा कब, अत्र यहाँ, एकदा एक दिन, अन्यत्र दूसरी जगह, च यानी और, अपि यानी भी, अद्य यानी आज, सौ आने वाला कल, है बीता हुआ कल, प्रातः सुबह, अहर्निशम दिन रात, अधुना अभी, एव ही, कुतः कहाँ और सायं शाम का समय। तो विद्यार्थीगण ये उच्चारण हो गए। उसके बाद मंजूषात उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरितः। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न आ रहा है ये विद्यार्थीगण मंजूषा के अंदर उचित जो अव्यय पद है उसको लेकर के रिक्त स्थान जो है पूरे करने हैं विद्यार्थीगण यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखो, जैसे इसके अंदर मंजूषा दी गई है, अद्य, अपि, प्रातः, कदा, सर्वदा, अधुना। अद्य आज, अपि, भी, प्रातः, सुबह, कदा, कब, सर्वदा, हमेशा, अधुना, अब, ठीक है? इनके ये अर्थ हो गए विद्यार्थीगण। अब इसके अंदर क्या बता रखा है? भ्रमणम स्वा स्थाय भवति, क्या होता है? तो प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्य भवति, प्रातः जो भ्रमण है स्वास्थ्य भवति, स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है? अच्छा होता है। सत्यम वद, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलें। क्या आएगा यहाँ पर? सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलें। विद्यार्थीगण तो आपको समझ में आ रहे होंगे प्रश्न उत्तर, थोड़ा थोड़ा इनको समझते हुए चलें। त्वं मातुल गृहं गमिष्यसि, त्वं अपि मातुलं गृहं गमिष्यसि, ऐसे बनेगा। दिनेशः विद्यालयं गच्छति, तो त्वं कदा आ जाएगा? त्वं कदा मातुल गृहं गमिष्यसि, तुम कब माता के घर, मामा के घर जाओगे? दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। अपि यहाँ पर अपि का भाव आएगा, अहम अपि तेन सह गच्छामि। तो विद्यार्थीगण ये क्या है? यह जो चीज़ें हैं ये अव्यय पद आ रहे हैं, और इन जो अव्यय पद हैं इन अव्यय पदों के हिसाब से जो है हम लोग इनको देख रहे हैं कि किस प्रकार से चीज़ बन रही है। यहाँ पर अव्यय पदों का अच्छे तरीके से अपने लोग प्रयोग करते हुए जो है चल रहे हैं। अव्यय पद है विद्यार्थीगण ये, ठीक है ना? फिर आ रहा है दिनेशः विद्यालयं गच्छति, अहम अपि तेन सह गच्छामि। फिर विज्ञान से युग अस्ति, तो अद्य धुना विज्ञान का युग है। अब रविवासर आसित, रविवासर अस्ति, तो अद्य आज रविवार है, ठीक है? तो इस प्रकार से इन चीज़ों का प्रयोग होगा जो कि हमें अच्छे प्रकार से समझना है। अब अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, इनके जो है उत्तर में लिखने प्रश्न है बच्चों, और इन प्रश्नों को देखते हुए उत्तर अपने को लिखने हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, आप लोग देख रहे हो, संघालस्य मित्र मित्रम का आसित, सियार का मित्र कौन था भाई? बका था, भगुला, बका आसित, है ना? स्थालित का भोजनम न आखादत, थाली में भोजन किसने नहीं खाया था? किसने नहीं खाया? बका है यानी भगोले ने।
है ना। तो थाली में भोजन बगुले ने नहीं खाया था, सिंगाल जो सियार है उसने सारा भोजन खा लिया था। बकह संगड़ाए भोजनम किम अछत, बकह बगुला सियार को भोजन किसमें देता है, तो कलसम है ना, संकीर्ण मुखे कलसे तम भोजनम आचत, ऐसा मटका जिसका जो मुख है वह पतला है, तो ऐसे पतले वाले मटके के अंदर जो है उसको भोजन दिया जाता है। श्रृंगाल से स्वभाव किदर्श भूति, श्रृंगाल से स्वभाव कैसा था, बहुत ही चतुर स्वभाव अस्ति है ना, कटु चतुर स्वभाव था, चालाक था, कौन था, सियार। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण इन प्रश्नों को उन्होंने समझा और उसको किया। आगे देखो चौथा प्रश्न जो है, चौथा पांचवा छठा जो प्रश्न है इनको भी अपने इस प्रकार से करने का प्रयास करेंगे विद्यार्थीगण, जो कि हमें अच्छी प्रकार से फिर ये चीज़ें जो है समझ में आ जाएगी। तो चौथा जो प्रश्न है वह है, पाठात् पदानि चित्वा अधो लिखतानां पदानां विलोम पदानि लिखत, यानी इन पदों के हमें विलोम पद लिखने हैं। विलोम पद होते हैं एक दूसरे के विलोम, है ना, और पर्याय पद होता है पर्यायवाची, यहाँ पर विलोम पद आ रहा है, तो विलोम पद को हम लोग देखेंगे। जैसे शत्रु का मित्रम किया हुआ है, सुखदम का क्या बनेगा बच्चों, दुखदम, सुख का दुख हो गया, दुखदम हो गया। शत्रुता मित्रता, शत्रुता का मित्रता बना लो, क्योंकि एक शत्रु हो गया तो दूसरा कौन होएगा, दूसरा मित्र ही होएगा, है ना। अच्छी प्रकार से समझते हुए अपने को चलना है। और फिर आ रहा है अप्रश्न, तो ये बन जाएगा अपना प्रश्न, अप्रसन्न यानी प्रसन्न बन गया, ठीक है। दुर्व्यवहार सत्व्यवहार, दुर्व्यवहार बुरा व्यवहार हो गया, और सत्व्यवहार है तो सत्व्यवहार विद्यार्थीगण किस प्रकार का हो जाएगा, सत्व्यवहार यानी अच्छा व्यवहार हो गया। सायं शाम का समय तो प्रातः हो जाएगा, है ना, सायं का प्रातः हो जाएगा। और असमर्थ का बन जाएगा समर्थ, तो असमर्थ है वह बन जाएगा अपना समर्थ बन जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थीगण जब अपने इन चीज़ों को करते हैं तो अपने को चीज़ें जो है अच्छी प्रकार से समझ में आती है, और इनको प्रश्नों को बढ़िया तरीके से हम लोग समझ सकते हैं और इनको कर सकते हैं। तो आशा है आपको चीज़ें समझ में आई होगी विद्यार्थीगण। इसके बाद जो प्रश्न अपने बच रहे हैं, पांचवा कहानी है, ये बाद में करेंगे, इनको कल करेंगे, और ये तत्सम शब्द जो भी है इनको विद्यार्थीगण कल करेंगे। तो आशा है आप लोग इतनी चीज़ों को समझेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और समझेंगे। धन्यवाद विद्यार्थीगण।